अगर आप भी रेगुलर आलू सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं तो आज मैं बना रही हूँ स्पिनच कॉर्न सैंडविच रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपका इसे बार बार बनाने का मन करेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनदी रसोई। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैंडविच बनाने के लिए हम एक सॉस बनाएंगे। पैन को गर्म किया है, इसमें एक चम्मच मैं बटर डाल रही हूँ। जब बटर मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैं मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, सॉस बनाने में बहुत आसानी होती है, इसे गांठें भी नहीं पड़ती हैं और इसका फ्लेवर भी सॉस के अंदर नहीं आता है। ये सिर्फ थिकनिंग एजेंट है जो सॉस को थिक कर देगा। ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये डिसॉल्व हो गया है पूरी तरह से। अब यहाँ पर मैं 1 ग्लास दूध ले रही हूँ, फ्रिज का दूध है ये, इसे मैंने गर्म नहीं किया है। एक साथ ही आप डाल दीजिए, इससे आपके सॉस में लम्स नहीं पड़ेंगे कॉर्नफ्लोर से। अब यहाँ पर मैंने चीज लिया है, डाइस चीज है ये। अगर आप सॉस में चीज नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर 4 से 5 चम्मच डालिएगा, नहीं तो सॉस पतली रह जाएगी। अब देखिए आप इसे अच्छे से चलाते रहिए, अभी हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए सॉस की। अब एक दूसरा पैन लेना है, इसमें 1 चम्मच बटर डालकर इसे मेल्ट करेंगे। 4 लहसुन की कलियां ली थी, इसे चॉप किया और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते किया है। मीडियम फ्लेम पर हमें सारा काम करना है, अच्छे से चला लीजिए, ब्राउन नहीं करना है। अब 1 कटोरी कॉर्न लिया है, ये स्वीट कॉर्न है, इसे भी सिर्फ 1 मिनट के लिए चला लीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर पालक लिया है मैंने 1 पंच पालक का, इसे अच्छे से साफ कर लिया 3-4 बार पानी से और इसे कट करके आपको इसमें डाल देना है कॉर्न के साथ ही, और इसे भी कॉर्न के साथ ही चलाते रहिए। 1/4 टेबलस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ब्लैक पेपर ज्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अब देखिए पालक ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको इसी में रहने देंगे। अब जो सॉस हमने बनाई थी ये देखिए गाढ़ी हो गई है, रखे रखे कॉर्नफ्लोर सॉस को गाढ़ी कर देता है, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। सॉस को एक बार हीट कर लेंगे अच्छे से, और जो वेजिटेबल स्पिनच एंड कॉर्न हमने रेडी की थी वो सॉस के अंदर डालकर इन्हें अच्छे से चला लेंगे। हमारे स्पाइसेस डालेंगे सारे, चीज डाली है सबसे पहले मैंने यहाँ पर। अगर आप चीज का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर आपको 5 से 6 चम्मच डालना पड़ेगा, तभी आपकी सॉस थिक होगी, अदरवाइज वो पतली रह जाएगी, सैंडविच नहीं बनेगी। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मिक्स्ड हर्ब डाली है, अच्छे से चला लीजिए और इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं, ये देखिए सॉस मैंने 15 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख दी थी और ये सॉस थिक हो गई है। अब ये आसानी से ब्रेड में हम इसे फिल कर देंगे, इतनी थिकनेस आपको सॉस की चाहिए। ये हमने सॉस को अच्छे से फिल कर दिया है, सारे ब्रेड के अंदर आपको अच्छे से फिल कर देना है सॉस को। ये देखिए बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा। हमने दूसरे ब्रेड से सैंडविच को ढक दिया है और ऐसे ही आपको सारे ब्रेड्स को फिल कर लेना है। कम से कम 7 से 8 सैंडविच आप इस सॉस के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पर ग्रिलर में मैं सैंडविच बना रही हूँ, ग्रिलर गरम कर लिया और इसकी दोनों प्लेट्स पर मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रेड पर बटर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ग्रिलर पर ही मैंने बटर लगाया है। दोनों सैंडविच मैंने इस पर रख दिए हैं और 5 मिनट के लिए मैंने ग्रिलर को बंद कर दिया है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ये सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपको सैंडविच की क्रस्ट थोड़ी हार्ड चाहिए तो सिर्फ 2 मिनट के लिए और आप इसे ग्रिल कर सकते हैं। आप चाहे तो तवे पर भी अपना सैंडविच बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सैंडविच लग रहा है, ये खाने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। एक अलग ही सैंडविच बनकर रेडी हो गया है ये। सर्दियों में पालक का सैंडविच खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, चाय कॉफी किसी के साथ भी ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल मनदी रसोई को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।